आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े युवा अधिवेशन में आज हम बेहतर भारत की बुनियाद की नींव रखने जा रहे हैं। बेहतर भारत की बुनियाद रखने की जरूरत आज इसीलिए है क्योंकि बीते 9 वर्षों से देश पर अंधकार के काले बादल मंडरा रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और हिंसा के दलदल में धंसता जा रहा है। बीते 9 वर्षों में देश ने क्या कुछ सहा है, आइए सबसे पहले एक नजर उन मुद्दों पर डालते हैं। जब अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जाए, सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के मोर्चे पर बुरी तरह से फेल हुई है। सरकार ने ऐसा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जिसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिल सके। जब देश में महंगाई और बेरोजगारी सातवें आसमान पर पहुंच जाए, आम आदमी को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे जैसे ये रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी दिक्कतें बढ़ रही है। गैस के सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं। एक सरकारी नौकरी की चाहत में युवाओं के सपने आंखों में दम तोड़ देते हैं। पिछले 8 साल में करोड़ों बेरोजगार युवा रहे जो परीक्षा फीस भर के किराया खर्च करके सेंटर पर एग्जाम दिए होंगे, नौकरी नहीं मिल पाई, रोजगार है ही नहीं है। जब मित्रवाद देश से ऊपर हो जाए, पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया, मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों का बुरा हाल हो गया है। कंपनियों के शेयरों ने LIC के 18,000 करोड़ रुपए डुबा दिए हैं। जब हमारी पवित्र जमीन को कब्जाने वाले चीन को क्लीन चिट दे दी जाए, चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है। जब समाज में नफरत, डर और हिंसा का जहर घोला जाए, जब संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग और उसे और कमजोर किया जाए, जब महामारी में लाखों जिंदगियों को असहाय छोड़ दिया जाए, अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो, मेरा बच्चा झूठा 2.5 साल का लो रहा, मम्मी घर पे आ जा, मम्मी घर पे आ जा, क्यों नहीं जा। जब काले कृषि कानून लाकर सैकड़ों किसानों की बलि ले ली जाए, जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है। जब अपना हक मांग रहे छात्रों और नौजवानों पर बर्बरता से वार किया जाए, बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर प्रदर्शनकारी युवाओं की पुलिस से झड़प की खबर सामने आ रही है। और जो तुम पुलिस का सहारा ले रहे हो, ये बहुत गलत बात है, हम सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जब हमारी माताओं बहनों की अस्मिता से खिलवाड़ कर उन्हें नग्न घुमाया जाए, मणिपुर में औरतों को नंगा करके खींचा जा रहा है, उनको नोचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है खेतों में खींच कर, जब लोकतंत्र और संविधान की बुनियाद हिल जाए, तो जरूरत आन पड़ती है बेहतर भारत की बुनियाद रखने की। देश की इसी बुनियाद को बचाए रखने के लिए श्री राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक संघर्ष करते रहे हैं। देश को मोहब्बत का संदेश देते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा का संदेश यही था कि देश में नफरत, डर और हिंसा की कोई जगह ना हो,
देश में आपसी भाईचारा सलामत रहे, महंगाई और बेरोजगारी से देश को मुक्ति मिले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले। श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर भारतीय युवा कांग्रेस निरंतर भारत की बुनियाद को बचाए रखने के लिए सड़कों पर संघर्ष करती रही है। बेहतर भारत की बुनियाद मुहिम के पीछे हमारी यही मंशा है कि अब बस बहुत हुआ, हम अपने देश की सांझी विरासत को किसी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। बेहतर भारत की बुनियाद सत्ता के अहंकार को चुनौती है। बेहतर भारत की बुनियाद हिंसा की आग में तप रहे भारत को बचाने की कोशिश है। बेहतर भारत की बुनियाद नौजवानों, किसानों, महिलाओं और आम आदमी को न्याय दिलाने के संघर्ष की शुरुआत है। आइए मिलकर बेहतर भारत की बुनियाद रखें और फिर से एक ऐसा भारत बनाएं जिसे एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था।